जैसा कि हमारे बेरोजगार भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं सर, क्योंकि हमारा 7 साल का पढ़ाई, जो हम लोग 3 साल का पढ़ाई करने में 7 साल लग गया है, उस पर हमारा हक मिले और हमें वैकेंसी जल्द से जल्द मिले, यही मांग है बस। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्णा तिवारी, मैं भी माइनिंग का छात्र हूँ। देख सकते हैं झारखंड सरकार के पुलिस बलों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आप हम लोग को अंदर जाने दीजिए, सर से मिलने दीजिए। हम तो कोई आए थे, मिले थे तो सर, हम लोग कोई पॉजिटिव हम लोग को लिखित चाहिए, जो चाहिए लिखित चाहिए। आप लोग के कुछ भी देंगे तो उन लोग देंगे, पुलिस वाला क्या लिखित देगा? अंदर जब तक देखिए, जब तक अंदर से आदेश नहीं आएगा आप लोग अंदर कैसे जाइएगा? मेरा काम है यहाँ विधि व्यवस्था देखना। आप लोग टेंट गाड़ दिए हैं, आराम से टेंट में बैठ के शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन। स्टूडेंट ने पैसा जितना था एक दिन का खत्म हो गया, और मेरा बाप हमको सर पैसा नहीं दे रहा, और सर एज लैप्स कर रहा है सर। तो आप ही बताइए सर, हम लोग क्या करें सर? जाने दीजिए सर, बात कर लीजिए हम लोग सर। ठीक है, आप लगातार हम लोग को सुबह से आधा घंटा नहीं आ रहा। तो बोलिए कि लड़का ना घुस गया है सर। सुनिए सर, सर आप बोलिए ना कि वहाँ दबाव बना रहा है। हम खबर भेजवा दिए, गार्ड से भेजवा, उन लोग नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप हम लोग बोले आधा घंटा में आएगा, तो नहीं आधा घंटा में बोला क्या आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा सर। उन लोग तो अंदर नहीं आना है, उन लोग मरने के लिए कोई बोल रहा है आप लोग के? क्या खबर भेजवा नहीं आ रहा सीधा बात सर? वैसा आदमी को भेजिए ना जो आवाज वहाँ तक पहुँचे सर, जो झाड़ू लगा रहा है। शांतिपूर्ण धरना है ना, ऐसा ही होगा। कैसा आदमी को भेजे नहीं सर, जो सर वहाँ तक पहुँच सके वैसा सर, जो सर वो आदमी को बुलाइए, जो सर आए थे एक बार उसको बुलाइए, फिर खबर भेजवाते हैं। नहीं सर, थोड़ा जल्दी भेजवाए, ऐसा आदमी हो फिर हम भेजवाए। 28% मानी सरदार और 19% ओवर एट मानी सर। देखो हम लोग, देखो राय सर तो बता रहे हैं पहले, ठीक है हमारा काम है, हम लोग का काम भाई माइक चालू करना, ये करेंगे मैनेजमेंट को देंगे, लेकिन नौकरी के लिए उसको बोल नहीं सकता। सेफ्टी के लिए तो बोल सकता है, सेफ्टी के लिए बोला जाता है यार। देखो जब भी इंस्पेक्शन होता है ना, उसको वायलेशन जाती है सर। तो आप काम रुकवा सकते हैं वहाँ पे, आपके पास इतना पावर है कि आप नोटिस दे, नोटिस में नहीं मानता तो आप ऑर्डर देके काम रुकवा सकते हैं। आउटसोर्सिंग ऑर्डर देके काम रुकवाने के लिए आपको कैसे निकालेगा? ना सेफ्टी का काम कर रहा है, ना सर्टिफिकेट उसके पास फर्स्ट एड है, ना सर ना कुछ है, सर्टिफिकेट नहीं सर, वो लोग काम कर रहा है। बताइए सर, नहीं रहेगा सर, तो प्रदर्शन करो, लेकिन ये गेट खोल दो सर। 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा सर। कल भी तो थे, क्या बोल रहे सर? बीजेपी से इतना जल्दी क्या कर सकते हैं? बस बोलता नहीं है सर, ऑर्डर देगा काम रुकवाने के लिए। किस तरफ से दे दिए चल सर? काम लिखवाने के लिए ऑर्डर देगा वो, काम रुकवाने के लिए ऑर्डर देगा वो, पावर है उसके पास। आदित्य जी, आप लोग तो देख ही रहे हैं, कल से हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, कल से धरना पर बैठे हुए हैं। ना डीजीएमएस, ना डीजी, ना कोई साहब हम लोग से ठीक से बात करने के रेडी है। सिर्फ उनके ओर से ये कहा जा रहा है कि वैकेंसी हम लोग का क्रिएट करने का काम नहीं है,
जबकि लिखित हम लोग की ओर से मांगा जा रहा है कि आपका हाथ में नहीं वैकेंसी, सेफ्टी देखने का हाथ में नहीं है, तो लिखित दीजिए ताकि हम लोग को ये पता चले कि आपको सेफ्टी देखने का देख रेख आपका नहीं है, वैकेंसी का देख रेख नहीं है। और सभी लड़के लोग बैठे हुए यहाँ पे, तब कल से बैठे हुए, रात भर बैठे हुए, सवेरे बैठे हुए, जब तक हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं मिलती है तब तक यहाँ से हम लोग को हिलना नहीं है। दो दिन से खाना नहीं खाए हम लोग, गला बैठ गया, बताइए क्या करें, कहाँ जाएं, आप ही बताइए हम लोग को। जहाँ तक बात फैलाया जाए, हम लोग बात माना जाए, हम लोग बहुत दिन से प्रयास किए जा रहे हैं, हम लोग कोई काम नहीं कर रहा, हम लोग उग्र हो गए, सुसाइड कर लेंगे फिर जाके, यही हम लोग का लास्ट उपाय है। और कल होगा, यही होगा कल, गेट पर ताले मारने का आगे का प्रोग्राम है। हाँ हाँ, कल डीजी साहब का पुतला फूका जाएगा, डीजी साहब का। हाँ, और कुछ लड़के लोग तभी आत्मदाह करने तक रेडी हुए, उन लोग का मनाया गया कि अभी आप सब्र रखिए, कुछ न कुछ हम लोग के लिए कहीं से कहीं न कुछ होगा। देख सकते हैं छात्रों ने उग्र आंदोलन कर दिया है, ताला मार दिया है मेन गेट पर, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ से आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया है छात्रों ने। तो छात्रों का उग्र आंदोलन जारी है, दूसरे दिन भी देख सकते हैं काफ़ी संख्या में छात्र आए हैं, आज भी छात्रों का सब्र का सिलसिला टूट रहा है। अब छात्रों ने भी ऐलान कर दिया है कि आर या पार में अब देखते हैं क्या होता है, आर पार की लड़ाई में।